शुक्रवार को पूरे देश में महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई, मगर शहर के लोक प्रतिनिधि गांधी जयंती के दिन ही भूले गांधी विचारों को। पूरे देश में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले और यही संदेश देने वाले महात्मा गांधी जी की जयंती शहर में भी मनाई गई, मगर इस जयंती कार्यक्रम से शायद गांधी जी भी शर्मनाक हुए होंगे। दरअसल बात है कि शुक्रवार को शहर के वैराटी चौक से गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन करने देश के दो बड़े, मगर दोनों पक्ष भूल गए कि जिस थोर पुरुष को अभिवादन करने आए हैं उन्होंने हमेशा ही शांति और अहिंसा के मार्ग पर चले और यही संदेश भी दिया, मगर जहां राजनीति आती है वहां कुछ नहीं सोचता। प्रतिमा को माल्यार्पण कर कांग्रेस की ओर से देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। अपना देश संविधान पर चलता है और संविधान में लिखा है कि सभी को अपना मत व्यक्त करने की अनुमति है। कांग्रेस तो केंद्र में विरोधी पक्ष में है तो वही विरोध करेगी, मगर विरोध करने में ये लोक प्रतिनिधि ये भूल गए कि वे किस प्रतिमा के सामने आंदोलन कर रहे हैं। पंतप्रधान के विरोध में नारेबाजी चल रही थी तो भाजपा शांत कैसे रहेगी। उन्होंने भी कांग्रेस के इस बात का विरोध किया, फिर क्या आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। जो लोक प्रतिनिधि लोगों को भाषण देते हुए गांधी जी के विचारों पर चलने को बताते हैं, वही लोक प्रतिनिधि आज उनके विचार भूल गए। इतना ही नहीं, इस पूरे कार्यक्रम में कोविड की किसी भी नियमों का पालन नहीं किया गया। पुलिस विभाग के सामने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया गया। पुलिस बस देखने का काम कर रही थी। सामान्य जनता पर कार्रवाई करने वाली प्रशासन क्या इन सभी लोक प्रतिनिधि पर कार्रवाई करेगी, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।